गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपने कोएगुलेशन एग्लूटिनेशन टेस्ट पढ़ लिया था, रिवर्स एग्लूटिनेशन टेस्ट एक्सेट्रा, आपके ये सारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपका एंटीग्लोबुलिन कूम्स टेस्ट। इसके बारे में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पूछा था, आरएच एंटीबॉडी वाला। आज हम आपके उसके बारे में जानेंगे कि आरएच एंटीबॉडी क्या होता है, आरएच एंटीजन क्या होता है, और ये किसकी बॉडी में रहते हैं, किसकी बॉडी में नहीं रहते हैं, ब्लड ग्रुप से इसका क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आज का लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये टेस्ट यहाँ पे बोले छोटा दे रखा है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। तो आप स्टार्ट करते हैं आपका एंटीग्लोबुलिन कूम्स टेस्ट। देख लीजिए, इट इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज, इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज, नॉन एग्लूटिनेटिंग एंटी आरएच एंटीबॉडी, ब्रुसेला, सिंगेला एंड साल्मोनेला एंटीजन्स। कूम्स टेस्ट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ, आपके दोनों के दोनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आपके परफॉर्म करते हैं। सेरा कंटेनिंग इनकम्प्लीट एंटी आर एच एंटीबॉडीज विद मिक्सड विद आर एच पॉजिटिव रेड सेल्स, एंटीबॉडी ग्लोबुलिन कोट्स द सरफेस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, सम एरिथ्रोसाइट्स कोटेड विद एंटीबॉडी ग्लोबुलिन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स कोट आर वॉश्ड फ्री ऑफ ऑल अनअटैच्ड प्रोटीन्स एंड ट्रीटेड विद रैबिट एंटी सीरम अगेंस्ट ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन कूम्स सीरम। The cells are agglutinated. This is the principle of Coombs test. देखिए, यहाँ से तो आपकी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बुक में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का दे रखा है और आपके बिल्कुल भी यहाँ से समझ नहीं आएगा। तो आप यहाँ से समझिए, मैं आपको इसमें बताता हूँ। अभी देखिए, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। देखिए, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट में क्या है आपका, इसके अंदर कि आपका डायरेक्ट किस टाइप से आपको ये देता है। पहले तो वो पॉइंट आता है, व्हाट इज़ द आरएच एंटीबॉडी एंड आरएच एंटीजन। तो देखिए, हमारे ये जो ब्लड सेल्स होती हैं उनमें आपके एंटीजन्स अटैच होते हैं, जिसके बेसिस पर हम ब्लड ग्रुप बताते हैं कि ब्लड ग्रुप आपका किस ग्रुप का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो जो आर एच जो रिलेशन रखता है आपका नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे आपने सुना होगा ए नेगेटिव ए पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव, ये जो हम आपका इसका नाम रखते हैं और इनके बीच में डिफरेंशिएट हो जाता है कि आपका ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है। तो ये जो आपका डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका आर एच एंटीजन पे। मैंने आपको बताया था कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन जब देता है तो जो आपके सेल्स होती हैं उनके बाहर से आपके एंटीजन अटैच्ड होते हैं। तो आपका जो एंटीजन्स यहाँ पे अटैच्ड होते हैं, तो अगर आपके जो आरएच फैक्टर होता है या फिर आपका आरएच एंटीजन होता है, वो आपकी रेड ब्लड सेल्स के बाहर से जुड़े हुए होते हैं। अगर ये एंटीजन किसी के ब्लड के साथ अटैच्ड है तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर इनकी आपके डिफिशेंसीज होती हैं रेड ब्लड सेल्स के बाहर, तो अगर आपका इनका डिफिशेंसीज है किसी के ब्लड में, इनके बहुत कम होते हैं आरएच फैक्टर, तो उसको हम नेगेटिव कह देते हैं। तो अगर आपका ए पॉजिटिव है, ए है, तो अगर इसमें आरएच फैक्टर बहुत सारे हैं, आरएच एंटीजन आपके रेड ब्लड सेल्स अटैच हैं, तो आप इसको आरएच यानी कि आप इसको ए पॉजिटिव, जो भी आपका ए बी ओ या ए बी जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, उसके साथ अगर पॉजिटिव लगा है, तो आप ये पॉजिटिव शो करता है कि आपका आरएच फैक्टर जो है वो आपके ब्लड सेल से अटैच है, या फिर आपकी जो आरएच एंटीबॉडी है, सॉरी एंटीजन है, वो आपके रेड ब्लड सेल से अटैच है। उसके बाद जिनके ब्लड के ब्लड ग्रुप के साथ लगा रहता है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ये जो आपके ब्लड ग्रुप्स होते हैं, इनमें ये आपका रिलेशन बताते हैं कि आपका जो आरएच एंटीजन है वो आपकी रेड ब्लड सेल्स पे बहुत कम अटैच है, या फिर आपका बहुत या फिर अटैच नहीं है, ये बताता है आपका नेगेटिव, यानी कि आपकी ब्लड जो ब्लड ग्रुप है या फिर जो आपका ब्लड है उसकी आरबीसीज के बाहर से आपका एंटीजन अटैच नहीं है। तो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव वाला केस कंप्लीट हुआ। ठीक है,
ठीक है, तो ये आपको आप बता सकते हो डिफरेंशिएट हो जाता है कि जो आपके आरएच एंटीबॉडी कंटेन करते हैं उनको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और जो आरएच एंटीबॉडी एंड सॉरी एंटीजन कंटेन नहीं करते हैं उनको आप नेगेटिव कहोगे। अब याद रखिएगा एक और पॉइंट कि जब किसी ब्लड सेल्स के बाहर आरएच एंटीजन अटैच है तो उसके साथ साथ आपका आरएच एंटी आरएच एंटीबॉडी बोलते हैं उसको, तो आपका एंटी आरएच एंटीबॉडी वहाँ पे प्रेजेंट होगा और वो आपका इस एंटीजन के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि आपको बताया था मैंने एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपकी आपका आरबीसी है, आरबीसी के साथ एंटीजन अटैच है, एंटीजन के साथ आपका आरएच एंटीबॉडी आकर उसके साथ मिल जाएगा, बट ये कभी भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं देते हैं। सबसे मेन पॉइंट आता है आपका कि जब आपकी एंटीजन और आपका एंटीबॉडी आपस में जुड़ते हैं तो वह एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और अगर आपका एंटीजन किसी सेल के साथ अटैच है तो आपका एग्लूटिनेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। लेकिन ह्यूमंस के अंदर आपका ये सारी आपका जो है ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है लेकिन एग्लूटिनेशन रिएक्शन शो नहीं करता है। इसी वजह से आपका जो आपकी आरएच एंटीबॉडी होती है उसे इनकम्प्लीट एंटीबॉडी कहा जाता है, यानी कि आपका एग्लूटिनेशन वहाँ पे नहीं देखा। अगर ये एग्लूटिनेशन देखा तो जिसकी बॉडी में आपका पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा वो क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेट कर जाएगा उसका ब्लड और वो मर जाएगा। यानी कि अगर वो मर जाएगा तो फिर तब आपका ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा जब वो एग्लूटिनेशन हो जाएगी वहाँ पे। तो इसीलिए आपका ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं देता है बॉडी के अंदर और ना आपका बाहर देता है। जब आप इसको बाहर भी मिक्स करोगे तो आपका बाहर भी आपका ए पॉजिटिव वाला है, जो जितने भी पॉजिटिव ग्रुप्स हैं यानी कि जिनके अंदर आरएच एंटीबॉडी है वो आपका आरएच एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करके आपका एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं देता है। इसीलिए जो आपकी एंटीबॉडी होती है आरएच एंटी आरएच एंटीबॉडी ये आपका एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं देती है। तो हम यहाँ पे पता कर देंगे डायरेक्ट जो आपका ये डायरेक्ट वाला है इसमें हम ये पता करते हैं कि क्या आपका ये आरएच फैक्टर इसमें है या नहीं है, ये चीज़ हम यहाँ पे पता करते हैं। तो देखिए इसको कैसे पता करना है आप लोगों को। डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन में क्या है आपका, आपकी रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे आपका रेड ब्लड सेल्स है, यहाँ पे देखिए आपका ये रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आपका रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स के साथ आपके एंटीजन्स अटैच है। एंटीजन्स क्या होंगे आपके यहाँ पे, एंटीजन्स है आपके यहाँ पे आपका आरएच एंटीजन। उसके बाद आपकी जो ये एंटीबॉडीज अटैच हो रही हैं इसके साथ, ये एंटीबॉडीज़ हैं आपकी एंटी आरएच एंटीबॉडीज। देखिए ये सारी की सारी जब इससे रिएक्ट कर रही हैं जब ये आपका यहाँ पे, तो इसने एग्लूटिनेट करने थे, सारी की सारी सेल्स आपस में जुड़ जानी थी और जो आपका रेड ब्लड सेल्स थी वो सारी आपस में एग्लूटिनेशन रिएक्शन देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे ये सेपरेट की सेपरेट है, ये आपकी अलग है, ये आपका अलग है, सेपरेट है, यानी कि आपका एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं हो रही है। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं आपका कूम्स रिएजेंट। कूम्स रिएजेंट क्या होता है, ये आपका रैबिट की आपका रैबिट की एंटीबॉडी होती है, इसको बोलते हैं आपका कूम्स रिएजेंट। कूम्स रिएजेंट जैसे ही आपका इसके साथ ऐड करते हैं तो ये आपकी सारी सेल्स की जितनी भी आपकी जो आरएच एंटीबॉडीज़ हैं उनके साथ आपका यहाँ पे देख लीजिए आप, ये इसके साथ आपका यहाँ पे इनके साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा और आपका एग्लूटिनेशन फॉर्म करेगा। देख लीजिए आपका ये एग्लूटिनेशन इसने फॉर्म कर दिया, सारी की सारी रेड सेल्स को इसने एक साथ कर दिया और आपका एग्लूटिनेशन फॉर्म कर दिया। तो इसीलिए हम इसको कूम्स टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पता चलता है कि आपका जो रेड ब्लड सेल्स थी उनमें आरएच फैक्टर था या नहीं था, इससे आपका ये आपका कंफर्म हो जाता है कि आपका आरएच फैक्टर इसमें था या नहीं था, क्योंकि आपका कूम्स टेस्ट जो आपका कूम्स रिएजेंट है इन सबको एग्लूटिनेट कर देते हैं। अगर आपका यहाँ पे इनके बाहर आपका रिएजेंट आपका एंड ये नहीं होता तो आपको इससे पहले आपको सपोज़ यहाँ पे देखिए आप, अगर आपका क्या होता है आरएच एंटीबॉडी है, सपोज़ आपका आरएच आपका नेगेटिव वाला है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ये तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है जो आपको ये यहाँ पे दिखा रखा है डायरेक्ट एग्लूटिनेशन में, ये पॉजिटिव ग्रुप है यानी कि आपका आरएच एंटीजन भी होगा आरएच एंटीबॉडी भी होगी और ये दोनों एग्लूटिनेशन नहीं देंगे। लेकिन अगर आपका यहाँ पे
ऐसा ऐसा ग्रुप ब्लड ग्रुप है जिसमें आपका आर नेगेटिव है, आपका फैक्टर नहीं है, यानी कि वहाँ पे सिर्फ क्या होंगी, आर एच एंटीबॉडी एंटीबॉडीज़ होंगी, और एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो आपका यहाँ पे आपकी ब्लड सेल से अटैच नहीं होंगी, यानी कि एग्लूटिनेशन साथ में आपका एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, एंटीबॉडी है एंटीजन, तो आपको प्रेजेंट नहीं, एंटीजन होता तो पॉजिटिव होना था, एंटीजन यहाँ पे है नहीं तो आपका नेगेटिव रहेगा, तो एंटीजन यहाँ पे नहीं है तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा सेकंड स्टेप में, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट वाला जो आएगा आपका उसमें आपको सेकंड स्टेप में ऐड करना पड़ेगा एंटीजन। जब आप इसमें एंटीजन ऐड करोगे यहाँ पे, जब आपका यहाँ पे एंटीजन आप ऐड करोगे तब जाके आपका एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वो भी आपका एग्लूटिनेशन नहीं देगा। उसके बाद देन आप कूम्स टेस्ट कूम्स रिएजेंट को ऐड करोगे और तब जाके आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो आपका इसमें एक चेंजेस है बस, कि आपका जो देखिए ब्लड ग्रुप, देखिए आप बस याद इतना याद रखना है कि जो आपकी ब्लड ग्रुप जिनमें हम पॉजिटिव यूज़ करते हैं उनके साथ आपकी एंटी आपकी जो ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी उनके साथ एंटीजन अटैच होता है, और उस एंटीजन को आपका बोलेंगे उस एंटीजन को हम बोलेंगे आरएच। अगर हम सिर्फ आरएच की बात कर रहे हैं, अभी नेगेटिव पॉजिटिव के बीच का डिफरेंस है, तो अगर पॉजिटिव है तो आरएच एंटीबॉडी एंटीजन होगा रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, और अगर आपका नेगेटिव है ब्लड ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब आपका जो आरएच फैक्टर है आरएच एंटीजन है वो आपके रेड ब्लड सेल्स के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका इस सेल की बात करूँ मैं, जो आपको यहाँ पे डायरेक्ट में दिखाई दे रही है रेड ब्लड सेल्स, ये सारी की सारी जो है आपका आरएच पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव यानी कि आपकी ए पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव इस टाइप से, यानी कि इसके साथ आपका एंटीजन भी है और आपका एंटीबॉडी भी है, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है लेकिन एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि जो आपका एंटीबॉडी होता है इसमें आरएच एंटीबॉडी वो जो होती है इनकम्प्लीट होती है, और इनकम्प्लीट होने की वजह से वो एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं देती है। उसके बाद हम कूम्स रिएजेंट को ऐड करेंगे, कूम्स रिएजेंट जो है वो इन सब को एग्लूटिनेट कर देगा। लास्ट में फाइनल रिजल्ट देखिए, सारी की सारी रेड ब्लड सेल्स आपस में जुड़ गई हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, कूम्स रिएजेंट की वजह से। तो जो डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट देते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, और जो आपका इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट होंगे वो सारे के सारे आपके जो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होंगे वो सारे देते हैं। बस आपने एक दो पॉइंट आपने ये याद रखने हैं कि आपका डायरेक्ट कौन देगा, डायरेक्ट हमेशा वो देते हैं जो हमेशा पॉजिटिव ग्रुप्स होंगे, और इनडायरेक्ट वो देते हैं जो आपके नेगेटिव ग्रुप्स होते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपका डायरेक्ट आपका ये वाला कि आपके कूम्स टेस्ट क्या है। उसके बाद देखिए आप एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ये ऊपर देखिए आपका एंटीग्लोबिन कूम्स टेस्ट, ये आपका जो एंटी जो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव वाला है, ये आपकी ह्यूमन लाइफ में भी एक बहुत बड़ा रोल आपका आपको मतलब नॉर्मली देखने को मिल सकता है, आपकी किसी लाइफ में कई केसेस बन सकते हैं। देखिए एंटी इसमें क्या होता है कि अगर आपकी मदर जो है वो आरएच नेगेटिव है, नेगेटिव यानी कि आपका उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, आरएच एंटीबॉडी नहीं है, बट अगर उसका हस्बैंड जो होगा वो आरएच पॉजिटिव है, यानी कि सपोज फीमेल का ए नेगेटिव है और मेल का ए पॉजिटिव है, तो जब और उसका जो सन होगा ठीक है जो आपका फीटस बनेगा वो सपोज़ ए पॉजिटिव आ गया, यानी कि जो बच्चे का ये आएगा ब्लड ग्रुप आएगा वो ए पॉजिटिव आ गया, तो अगर वो ए पॉजिटिव आ रहा है तो मदर का जो ब्लड है वो उस बच्चे के साथ अगर मिक्स हो गया तो बच्चे का जो बच्चे के डेथ होने के चांसेस होते हैं, यानी कि फीटस हो सकता है कि अंदर ही आपका आपका यूट्रस के अंदर ही डेथ हो जाए उसकी। तो इसी वजह से क्या होता है इस टाइप के जो सन होते हैं या फिर आपके जो सन या डॉटर जो भी आपका जो फीटस होता है एम्ब्रियो होता है उसके आपका मरने के चांसेस होते हैं, फीटस के डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये एंटीग्लोबुलिन आपका टेस्ट है या फिर आपका मतलब जो आपका ये आरएच नेगेटिव और आरएच पॉजिटिव वाला फैक्टर है ये कभी कभी इन्फ्लुएंस देता है ह्यूमन लाइफ में इस टाइम पे, तो इसलिए क्या करते हैं उस टाइम पे जो मदर को क्या करते हैं स्पेशल ट्रीट दिया जाता है उसको एंटीग्लोबुलिन के आपका आरएच फैक्टर्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे कि मदर की जो ब्लड सेल्स होती है उसमें आपका आरएच फैक्टर इंक्रीज़ हो सके और बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो,
इस टाइम तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर सपोज उसका मदर का ब्लड जो हो गया फीटस के साथ मिक्स हो भी गया तो ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है आरएच फैक्टर का, इसलिए उसे इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर होता है कि आपका आरएच एंटीबॉडी क्या है, आपका आरएच एंटीजन क्या है। याद रखिएगा आरएच एंटीजन आपका रेड ब्लड सेल्स से अटैच होता है, और जिन रेड ब्लड सेल्स में आपका आरएच एंटीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, यानी कि आरएच फैक्टर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, उन ब्लड ग्रुप्स को हम पॉजिटिव कहते हैं, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एक्सेट्रा। और आपका जो आपकी ये होते हैं जो जिन जिन रेड ब्लड सेल्स में आपका आरएच एंटीजन नहीं होता है उनको हम नेगेटिव में रखते हैं, जैसे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव एक्सेट्रा। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी आपको एक दिन क्लास में इसके लिए स्पेशल पढ़ाऊंगा मैं अगर लॉकडाउन खुला। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो बाकी अब 15 मिनट टेस्ट में आ गया आपका, कूम्स टेस्ट को एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, अगर आपको कहीं से डीप मिल सकता है ये तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जितना आपका बुक में दे रखा है उससे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा दिया, ये इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आपका जो मोस्ट है देख लीजिए, आपका एक बार दोबारा वापस चले जाते हैं एंटीग्लोबुलिन टेस्ट वाले पे, कूम्स टेस्ट में लिखा गया इट इज़ यूज टू डिटेक्शन ऑफ द इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज, कि आपकी इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज़ और आपका जो एंटीजन है उसका इंटरेक्शन क्या है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता चल जाएगी कि इंटरेक्शन क्या है उनके बीच का। वो इंटरेक्शन आपको पता चलेगा प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, कि आपके एंटीजन पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव वाला है, ये आपका वहाँ से पता चल जाएगा। थैंक यू।